प्रेजेंटेड बाय टाटा टी अग्नि। टाटा टी अग्नि, जोश जगाए हर रोज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और हर ओर सिर्फ और सिर्फ रामलला का ही नाम नजर आ रहा है। क्या अयोध्या, क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश और क्या विदेश, पूरा का पूरा विश्व राममय नजर आ रहा है। इसी बीच रामलला के नाम की गूंज हिंदुस्तान तो क्या पाकिस्तान में भी गूंज गई, और तो और अयोध्या के बाद मथुरा का भी जिक्र हो गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कटारिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, और हर पोस्ट से पता चल रहा था कि रामलला को उनके महल मिलने से दानिश कितने ज्यादा खुश है। दानिश ने अपने सबसे पहले पोस्ट में लिखा कि कांग्रेचुलेशंस, भगवान राम हैज अराइव्ड, हैशटैग जय श्री राम, यानी मुबारक हो, भगवान राम आ चुके हैं, जय श्री राम। दानिश की खुशी यहीं नहीं रुकी। अगला पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सदियों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। वहीं अपने तीसरे पोस्ट में दानिश ने किसी का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा जय जय श्री राम। बता दे कि उनके शेयर किए गए पोस्ट में लिखा था कि निर्गुण को बिन देह के, सगुण को आकार, दिव्य अलौकिक रूप में दिखते हैं श्री राम। इसके बाद दानिश कटेरिया ने मथुरा का जिक्र करते हुए बड़ी बात कह दी। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि जय श्री कृष्णा। इसी के साथ एक फोटो भी पोस्ट की जिसमें एक संत की फोटो बनी थी और लिखा था कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक दिन बाद पोस्ट करते हुए दानिश कटेरिया ने लिखा जयतु हिंदू राष्ट्रम। बता दे पहली बार नहीं है जब दानिश कटेरिया खुलकर हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। दानिश खुद एक हिंदू है और वो लगातार पाकिस्तान में होने के बावजूद हर एक हिंदू त्योहार को खुशी से मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।